हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ का, क्योंकि हमें पता है कि आप अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस बार अपनी मंजिल को एक अंजाम तक पहुंचा ही देना है। वेल, और उसी हेतु हम आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित एक वीडियो, जो संबंधित है फिगर ऑफ स्पीच अलंकार एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रफी जिसे हम संबोधन के नाम से जानते हैं, संबोधन यानी इसमें किसी को हम पुकारते हैं, आवाहन करते हैं, कॉल करते हैं, और कॉल, पुकारना और आवाहन, ये सारी बातें किस हेतु, किस लिए आवश्यक है, ये फिगर ऑफ स्पीच किस लिए आवश्यक है, आप इसकी स्टडी, इसका अध्ययन क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, वजह कि आप यदि चाहते हैं सीटेट में सफलता प्राप्त करना, यूपीटेट में सफलता प्राप्त करना, सुपर टेट में सफलता प्राप्त करना, या फिर किसी भी बोर्ड की 11th और 12th बोर्ड की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश में 4 नंबर के फिगर्स ऑफ स्पीच अपियर होते हैं, जिसमें 2 नंबर आपके लिए डेफिनेशन से संबंधित होते हैं और 2 नंबर एग्जाम्पल्स के साथ बताने और लिखने के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। या फिर आप टीचिंग के नजरिए से इंटरेस्टेड हैं, टीच करना चाहते हैं, अपने ज्ञान और अनुभव को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक बनता है। टीजीटी, पीजीटी जैसी अन्य परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं ये अति आवश्यक बनता है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि इसके आप गूढ़ रहस्य को समझ पाए। एपोस्ट्रॉफी को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बेहद आसान बना दिया है, पॉसिबल बना दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एपोस्ट्रॉफी, जिसे हिंदी में संबोधन कह रहे हैं, संबोधन के लिए अगर आपके पास कोई पहचान है, कैसे आप पहचानोगे कि यह संबोधन होता है, उसके लिए इस चिन्ह का आप याद ध्यान रखें। ये चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला चिन्ह है, और इस चिन्ह का मींस ये है कि कहीं ना कहीं इसे हम, इट इज पर्सोनिफाइड, आल्सो कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच, यानी इसको हम एक एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, और ये अपने आप में एक पर्सोनिफाइड भी है, यानी अपने आप में एक प्रकार से ये मानवीकरण को भी लिए हुए है, पर्सोनिफिकेशन को भी लिए हुए है। इसलिए यहां पर ये चिन्ह मिलेगा, या इसमें शुरुआत में आपको ओ मिल जाए या ओह मिल जाए, तो इनके आधार पर ये एक ट्रिकी अप्रोच है, आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कहीं ना कहीं एपोस्ट्रॉफी हो जाता है। तो उसी के लिए आइए हम बात करते हैं आज के इस डेफिनेशन की, कि इस परिभाषा के आधार पर कैसे आप समझेंगे क्या होता है एपोस्ट्रॉफी नाम का ये फिगर ऑफ स्पीच। चलिए एक नजर डालते हैं इस पर हम आज। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में डेड पर्संस यानी मृत व्यक्तियों, लाइफलेस थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं, आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, विचारों को या फिर क्वालिटीज को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। इन सच अ वे, इस तरह से आप एड्रेस करेंगे, इस अंदाज में आप इनको संबोधित करेंगे, एज इफ दीज आर अलाइव, जैसे कि ये जिंदा है, जैसे कि ये जिंदा है, उस सेंस के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। मृत व्यक्ति, निर्जीव वस्तुएं, विचार और गुण, चलिए ये आपने समझ लिया। और आगे हमने इसमें यह भी चर्चा किया हुआ है कि इट इज पर्सोनिफाइड, आल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच, जिसको आप बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की हम मदद ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स का हम सहायता ले लेते हैं, कैसे डालते हैं एक नजर उदाहरणों पर। ओ डेथ वेयर इज दाय स्टिंग, यानी अरे मृत्यु, या ओ मृत्यु तुम्हारा वो डंक कहां है, तुम्हारा वो विनाशकारी प्राण घातक डंक कहां है, जो आप लोगों के ऊपर रख देते हो और उनका इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं।
तो ये इसमें देखिएगा ओ आया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, और इसमें मृत्यु को इस तरीके से चर्चा की जा रही है जैसे वो कोई जिंदा व्यक्ति हो और आपकी बात को सुन रहा हो। तो मृत्यु आपकी बात को सुन रही है ये मानते हुए आपने इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया हुआ है जिसे हम एपोस्ट्रफी बोल रहे हैं। डियर लवली क्यूट स्टूडेंट्स, वेयर इज दाय स्टिंग, अरे मृत्यु तुम्हारा वह डंक कहां है। अगला एग्जाम्पल, एक्सल्ट ओ शोर्स, एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, अर्थात हे किनारों, समुद्र तट के किनारों, समुद्र के तटों, है ना, एक्सल्ट खुशियां मनाओ, मस्ती करो, मौज करो, खुशियां मनाओ, मस्ती करो, मौज करो, है ना, और घंटियों जम के बजो, खूब बजो। तो सोचिएगा यहां पर हम समुद्र के किनारे से एक व्यक्ति के तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और घंटियों से कह रहे हैं जैसे वो हमारी आवाज को सुन रहे हो, जैसे वो हमारे लिए आज्ञाकारी हो कि जम के बजो, खुशियां मनाओ, मस्ती करो, है ना। अगला एग्जाम्पल है फ्रेल्टी दाई नेम इज उमन, फ्रेल्टी दाई नेम इज उमन, फ्रेल्टी का मीन्स दोष भी होता है, विश्वासघात भी होता है, सॉरी दोष भी होता है, विश्वासघात भी होता है और कमजोरी निर्बलता भी होता है। तो यहां हम जो सेंस ले रहे हैं वो कमजोरी और निर्बलता वाला ले रहे हैं। कम ऑन फिर से बताइए, कमजोरी और निर्बलता, यानी यहां पर हमने फ्रेल्टी एपोस्ट्रोफ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फ्रेल्टी यानी ओ कमजोरी, हे कमजोरी, दाई नेम इज वुमन यानी तेरा ही नाम औरत है, कमजोरी तेरा ही नाम औरत है, यहां पर हमने कमजोरी को एक लिविंग थिंग्स, एक लिविंग वस्तु की तरह से यूज किया हुआ है और इसलिए यह हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी, संबोधन, क्योंकि चिन्ह भी है और वो उकार भी है इसमें। अगला एग्जाम्पल देखिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, ओ कैप्टन अरे कैप्टन, मेरे कैप्टन, मेरे कप्तान, वो जो हमारी डरावनी यात्रा थी वो कंप्लीट हो गई है, डरावनी यात्रा थी वो कंप्लीट हो गई है, अर्थात ये जो पोयम का एक स्टांजा है, एक लाइन है जिसे हम कह सकते हैं वो अब्राहम लिंकन को एड्रेस की गई है। अब्राहम लिंकन जहाज के डेक पर मृत पड़े हैं लेकिन फिर भी हम ये चर्चा कर रहे हैं जैसे कि वो जिंदा हो और हमारी आवाज को, हमारी बात को सुन रहे हैं, पहचान रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, यानी हमारी जो यात्रा थी भयानक और डरावनी वो अब कंप्लीट हो गई है। तो ये थे एग्जाम्पल चार जो कहीं ना कहीं संबंधित थे हमारे लिए फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी संबंधित, ये डेफिनेशन, ये कैसे पहचान करेंगे इसके लिए आप, और यहां पर हमने उदाहरण और एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाने का अपना सर्वोत्तम बेस्ट एफर्ट किया हुआ था। तो वेल डियर लवली एंड क्यूट स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, आया होगा, क्योंकि हमने आपके लिए इसे शेप किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है ताकि आप अपनी मंजिल तक निश्चित तौर पर पहुंच सकें और अपनी यात्रा को संभव बना सकें जिसमें आप मकसद में सफल होना चाहते हैं। तो वेल, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर H.M. रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंचा है, कम ऑन, आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉय जिग में यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने आपको पता है कि ये ठान ली है कि सफलता तो आपको दिलवानी ही है किसी भी हालत किसी भी कीमत पर। आने वाले कुछ एपिसोड में आप देखेंगे कि हम कुछ और चीजों को भी इसमें जोड़ने जा रहे हैं जिसका आप लुत्फ उठा पाएंगे आने वाली कुछ परीक्षाओं में जो इस समय काफी बर्निंग बनी हुई है, ज्वलंत बनी हुई है और आप चाहते हैं उनमें जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर ली जाए। तो वेल, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और डेफिनेटली आएगा ही आएगा क्योंकि हमने ऐसा प्रयास और कोशिश की हुई है, निश्चित तौर पर यदि आप हमारे इस चैनल के लिए नए हैं, पहली बार आपका यहां पर आगमन हुआ है, तो इसे आप सबसे पहले लाइक कीजिएगा, लाइक करते ही इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन भी उपस्थित होगा उसे भी बजा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस अपडेट नोटिफिकेशंस आपकी झोली में टिप टिप वर्षा पानी की तरह से गिरते रहें और आप अपनी किस्मत के सितारों को चमकाते रहें सुपर निर्मा साबुन की तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आप तो निश्चित तौर पर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बाकी अपने यार दोस्त मित्रों की तरफ भी इसे प्रेषित करें ताकि उनके जिंदगी का भी जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो सके। तो वेल कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग एंड कीप इनहांसिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन योर पॉइंट, इन योर मकसद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।